हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक? ये देख रहे हैं कि टॉर्च है और ये इसका स्विच डायरेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं ये जल रहा है हल्का हल्का, जल्द जल्द इसका बैटरी जो है बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुका है। और ये सोलर सिस्टम है, ये देखिए इसका LED जल रहा है जब सोलर को धूप की तरफ करने के बाद, तो चार्ज तो ये हो रहा है लेकिन ये इसका जो स्विच है ये डायरेक्ट हो गया, इतना मतलब जाम हो गया है तो ये ऑफ नहीं हो रहा है। तो इसको क्या कुछ किया जा सकता है, इसका स्विच बदलना होगा या यही ठीक करना होगा, तो ये वीडियो में देखते हैं। आइए, इसके लिए इसे खोलना होगा, खोलेंगे और देखेंगे। और एक ट्रिक आपको आज हम बताएंगे, जैसे ये देखिए इसके अंदर जो पेच है, अंधेरा दिख रहा है, इसमें दिखाते हैं आपको। इसके अंदर का जो पेच है अभी दिख रहा होगा आपको, तो ये जो पेच है नहीं खुल रहा है, यानी इसका जो हेड है वो खराब हो चुका है। तो इसको खोलने का जो तरीका है वो क्या है, अगर कोई पेच आपके साथ ऐसा आए पेच जो नहीं खुले, तो उसके लिए क्या करना है, आप आयरन को हीट कर लीजिए और इस पेच के ऊपर हम ऐसे लगा के रखेंगे कुछ देर के लिए। जब गर्म हो जाएगा हल्का सा तो फिर बहुत ही आसानी से पेच आप खोल पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये पेच खोलने का। तो ये देखिए, ये नहीं खुल रहा था, जो जैसे ही हमने इसको हिट किया देखिए निकल गया ये और ये खुल गया। तो एक पेच मेरे ख्याल से और इसमें है जो नहीं खुल रहा है, इसको भी उसी तरह से हिट कर लेंगे। ये भी खुल गया। तो यही वो स्विच है जो जाम है बिल्कुल। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ऑयल डालेंगे। ऑयल डालकर देखेंगे फ्री होता है या नहीं होता है, इसके बाद तो चेंज करेंगे ही, अगर नहीं होगा तो। के बाद इसको स्लाइड करेंगे आगे पीछे, शायद काम कर जाए। तो ये कुछ कुछ फ्री हो रहा है। ये बैटरी का वायर भी छूट गया खोलने में, इसको सोल्डिंग करना होगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा चार्ज करेंगे और इस
स्विच को देखेंगे, फ्री हुआ या नहीं हुआ, या चेंज करना होगा तो हल्का इसे चार्ज कर लेंगे। अब देखते हैं, ये तो काम कर रहा है लेकिन बैटरी शायद चार्ज नहीं है, थोड़ा और चार्ज कर लेंगे। सॉरी, बैटरी का तो वायर वापस छूट गया है, इसे ज्वाइंट करना होगा। तो अब इस स्विच को हम देखते हैं जलाकर, तो ये देखिए ये जल रहा है, और ये आगे का लाइट, यानी ये स्विच वेल डालने के बाद काम कर गया, तो समझिए अब ये ठीक हो चुका है। और इसको वापस वैसे ही फिट कर देंगे। इसमें जो खराब पेच है उसको दोबारा नहीं लगाना ही अच्छा रहेगा, जिसका हेड खराब हो गया है, क्योंकि बाई चांस अगर फिर मेरे पास आया ये तो फिर खोलने में बहुत परेशानी होगी। इसलिए जो खराब पेच है जिसका हेड खराब हो चुका है उसको हम वापस दोबारा नहीं लगाएंगे। तो इसे टाइट कर लेते हैं अच्छी तरह से, इसके बाद इसका स्विच जो है वो दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए इसका स्विच जो है फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, बैटरी थोड़ा अभी चार्ज नहीं हुआ है। ये आगे का, और ये ऑफ, और ये पीछे, तो ये ठीक हो गया है, बिल्कुल ही आसानी से हो रहा है ये। तो इस तरह का अगर फॉल्ट है तो इस वीडियो को देखकर आप ठीक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।